नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को आज 80 दिन बीत चुके हैं। उनको इंसाफ दिलाने के लिए राजस्थान बंद किया, हर जगह प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को भूल चुकी है? क्या अब अपराधी को सजा नहीं मिलेगी? यह सवाल हम सबके मन में एक बार फिर से आने लगे हैं। ऐसे में हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग और परिजन से प्रशासन ने जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, इसकी जानकारी सुखदेव की पत्नी शीला ने प्रेस क्लब में दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी गई थी, जिनमें NIA की जांच और सुरक्षा की 2 मांगे मानी गई थी। परिजन को आज तक न तो सरकारी नौकरी दी गई और न ही मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि NIA ने भी कोर्ट से 90 दिन का समय और मांगा है। इसके साथ ही गोगामेडी पर हमले में एक अन्य मृतक अजीत राजावत के परिवार ने भी न्याय की गुहार लगाई थी। शीला ने बताया कि कई लोग जांच की दिशा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 मार्च तक सरकार मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना सड़कों पर आएगी। सर्व समाज को साथ लेकर सुखदेव के गोगामेडी गांव स्थित पैतृक आवास से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल न्याय यात्रा निकाल कर सरकार और उनके प्रतिनिधियों को वादे याद दिलाए जाएंगे। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय संगठन मंत्री योगेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह गुड़ीवाला, कानूनी सलाहकार चतर सिंह मरुका, गोगामेडी के भाई श्रवण सिंह, अभयराज सिंह, अजीत राजावत की पत्नी रेणुका व संगठन के अन्य पदाधिकारी और अखंडी सेना उपस्थित रहे। अब क्या इस प्रदर्शन से सरकार को होश आएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।